नमस्कार दोस्तों, असरदार टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्राकृतिक मिठाई के तौर पर पहचाने जाने वाला गुड़ स्वाद के साथ ही सेहत का भी खजाना है। अगर आप इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों से अभी तक अनजान हैं, तो चलिए जानते हैं गुड़ खाने के 20 बेहतरीन लाभ। पेट की समस्या, जी हाँ, गुड़ पेट की समस्याओं से निपटने के लिए एक बेहद ही फायदेमंद उपाय है। यह पेट में गैस बनना और पाचन क्रिया से जुड़ी अन्य समस्याओं को हल करने में बेहद लाभदायक है। खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन पाचन में सहयोग करता है। सर्दी के दिनों में या सर्दी होने पर गुड़ का प्रयोग आपके लिए अमृत के समान होगा। इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह सर्दी, जुकाम और ख़ास तौर से कफ के लिए आपको राहत देने में बहुत मदद करेगा। इसके लिए दूध या चाय में गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है, और अगर आप इसका काढ़ा बनाकर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। गुड़ को अदरक के साथ गर्म कर इसे गुनगुना खाने से गले की खराश और जलन में राहत मिलती है। इससे आवाज भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। जोड़ों में दर्द की समस्या होने पर गुड़ का अदरक के साथ प्रयोग काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। प्रतिदिन गुड़ के एक टुकड़े के साथ अदरक खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर भी गुड़ आपकी मदद कर सकता है। गुड़ आयरन का एक अच्छा और सुलभ स्रोत है। एनीमिया के रोगियों के लिए भी गुड़ काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आप बहुत अधिक थकान या कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी गुड़ आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है और आपको थकान महसूस होने नहीं देता। त्वचा की सेहत के लिए भी गुड़ आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। जी हाँ, गुड़ रक्त से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर कर त्वचा की सफाई में मदद करता है और रक्त संचार को भी बेहतर करता है। प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ खाने से मुहासों की समस्या नहीं होती और त्वचा में चमक आती है। यह आपकी त्वचा की समस्याओं को आंतरिक रूप से ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। पेट में गैस की समस्या बनने पर प्रतिदिन एक गिलास पानी या दूध के साथ गुड़ का सेवन करने से पेट में ठंडक होती है और गैस नहीं बनती है। गुड़ शरीर में रक्त की सफाई कर मेटाबॉलिज्म रेट को भी नियंत्रित रखता है। इसके अलावा गुड़ गले और फेफड़े के संक्रमण के इलाज में काफ़ी फायदेमंद होता है। अस्थमा के इलाज में गुड़ काफ़ी लाभदायक होता है। गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर खाने से सर्दी में अस्थमा की समस्या नहीं होती और शरीर में आवश्यक गर्मी बनी रहती है। इसके अलावा सांस संबंधी रोगों के लिए 5 ग्राम गुड़ को समान मात्रा में सरसों के तेल में मिलाकर खाने से सांस संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। गला बैठ जाने और आवाज़ जकड़ जाने की स्थिति में पके हुए चावल में गुड़ मिलाकर खाने। कान में दर्द होने पर भी गुड़ काफ़ी लाभदायक होता है। गुड़ को घी के साथ मिलाकर खाने से कान में होने वाले दर्द की समस्या से निजात मिलती है। जॉन्डिस हो जाने पर 5 ग्राम सौंठ में 10 ग्राम गुड़ मिलाकर एक साथ खाने से काफ़ी लाभ मिलता है। महिलाओं को मासिक धर्म की समस्याओं में राहत देने के लिए भी गुड़ काफ़ी फायदेमंद है। उन दिनों में गुड़ का सेवन करने से हर तरह की तकलीफ में राहत मिलेगी। स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी गुड़ काफ़ी फायदेमंद है। इसके नियमित सेवन से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग कमजोर नहीं होता। अगर आपको कम भूख लगती है तो आपकी इस समस्या का इलाज गुड़ के पास है। गुड़ खाने से आपकी भूख भी खुलेगी और पाचन क्रिया दुरुस्त बनी रहेगी। गुड़ एक अच्छा मूड बूस्टर भी है। यह आपके मूड को खुशनुमा बनाने में मदद करता है। इसके अलावा माइग्रेन की समस्या में भी गुड़ काफ़ी फायदेमंद होता है। प्रतिदिन गुड़ के सेवन करने से लाभ होता है। खट्टी डकारे आना या पेट की अन्य समस्या में गुड़ में काला नमक मिलाकर चाटने से भी लाभ होता है। इसके अलावा यह तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने में काफ़ी सहायक होता है। वजन कम करने के लिए भी गुड़ का प्रयोग किया जाता है। शरीर में जल के अवतरण को कम करके शरीर के वजन को नियंत्रित करता है। वैसे तो गुड़ को गर्म तासीर का माना जाता है, लेकिन इसको पानी के साथ घोलकर पीने से यह शरीर में ठंडक प्रदान करता है और गर्मी को नियंत्रित करता है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें। और भी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।